सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और आप देख रहे हैं द गोल्डन टॉक्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे काफी सारी बाइक्स देख पा रहे हैं, आज हमें अलवर के पीएनसी इलेक्ट्रो व्हील्स पर, और यहाँ ये बेसिकली प्योर ईवी की एक डीलरशिप है। प्योर ईवी दोस्तों इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईवी बाइक कंपनी है। काफी अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक ऑप्शंस आप लोगों को प्योर ईवी ब्रांड की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्योर ईवी ब्रांड बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे डेडिकेटेडली बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है प्योर ईवी की तरफ से। दोस्तों, आप लोगों के पीछे खड़ी हुई दिख रही है, ये है प्योर ईवी की तरफ से आने वाली इको ड्रिफ्ट, एंड कई सारे कलर ऑप्शन में बेसिकली ये आ जाती है जो कि आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी। इस गाड़ी के बारे में आज हम ए टू जेड सारी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करेंगे, कैसी ये चलने में है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कितनी मिलती है इस प्योर ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक में, उसके बारे में भी हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले लुक वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि लुक से इंसान सबसे पहले देखता है। और एक चीज आप लोगों को देखने में अलग से ही लग रही होगी कि दिखने में ये आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक जैसा फील नहीं दे रही होगी। बेसिकली एक 100 सीसी या 125 सीसी की नॉर्मल जो पेट्रोल बाइक होती है, उस तरीके की बाइक ये प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट आप लोगों को देखने में लगने वाली है। हाँ, वो बात अलग है कि ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें आप लोगों को कोई भी पेट्रोल वगैरह डलाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको उसको एक बार चार्ज करना है और आप लोगों को अप टू 130 किलोमीटर की रेंज ये इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड कर देती है। फ्रंट से बात करेंगे तो काफी प्यारा सा एंड स्पोर्टी लुक आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। काफी प्यारे हेडलैम्प्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। मैं इसको अगर ऑन करके आप लोगों को दिखाऊं, या टर्न इंडिकेटर की आवाज भी आप लोगों को सुनाई दे रही है, तो फ्रेंड्स इसकी लाइट्स कुछ इस तरीके की देखने में लगती है, एंड विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है इन लाइट्स की। एलईडी लाइट्स बेसिकली इस गाड़ी में हमें मिलती है, एंड गाड़ी का जो लुक है, जो रोड प्रेजेंस आने वाली है, वो मुझे अभी से दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड काफी सारे अलग अलग कलर ऑप्शन में भी ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई भी कलर चाहिए हो तो आप लोग अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस गाड़ी का कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब हम सभी लोगों को पता है कि आजकल पेट्रोल का प्राइस तो यार बस आसमान छू रखी है, और ऐसे में इंडिया में एक से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लग रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम ब्रांड्स हैं जो आप लोगों को फिजिकल डीलरशिप देने का ऑप्शन रखती है, जहां पर अगर आप लोगों को कोई दिक्कत भी आ जाती है तो उसको आप शॉर्ट आउट करा सकते हो डीलरशिप में जाके। तो दोस्तों, प्योर ईवी की डीलरशिप आप लोगों को इंडिया के काफी सारे सिटीज में मिल जाती है, एंड जिन सिटीज में नहीं है होपफुली वहां पर भी बहुत जल्दी खुल सकती है। खैर, इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो भाई लुक के हिसाब से तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा प्यारा ऑप्शन होने वाला है। फ्रंट में आप देखोगे तो यहां पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, पीछे की साइड ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहां पर दिए गए हैं। मैं लाइट इसकी बंद कर लेता हूं। अब अगर आप इसकी सीट देखोगे तो आपको काफी बड़ी और कंफर्टेबल सीट दिखने में यहां पर लगेगी। पीछे ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को मिल जाता है, एंड रेयर टेल लैंप्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर मैं इसका हॉर्न आप लोगों को बजा के दिखाऊं तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो मैं काफी ज्यादा लाउड हॉर्न यहाँ पर आप लोगों को इस प्योर ईवी की बाइक का मिल जाता है। पीछे ये टेल लैंप मिल जाते हैं जो आप लोगों को फिलहाल जलते हुए दिख रहे हैं। रेयर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं विद स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन। बाइक के सस्पेंशन कैसे होने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जब इसको बाहर अभी टेस्ट ड्राइव पर लेके चलेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि इसकी रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अगर इस पे हम बैठे हैं, बैठने के बाद में देखें तो कुछ इस तरीके का जो है रोड प्रेजेंस हमें यहाँ पर मिलने वाली है। अब मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बिल्कुल पेट्रोल वाली फीलिंग मुझे इस पर बैठने के बाद में आ रही है। आप लोगों को भी लग रहा होगा जैसे कि एक 125 सीसी की बाइक होती है, बिल्कुल सेम उस तरीके की ये बाइक दिखने में लग रही है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो उसका आगे का ओडोमीटर है वो भी काफी बढ़िया डिजिटल ओडोमीटर ब्रांड ने दे रखा है। यहाँ पर आप लोगों को किलोमीटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, सारी लाइट्स वगैरह दिख जाती है, एंड यहाँ पर आपको बैटरी ऑप्शन भी दिख जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आप लोगों को दिख जाते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये बेसिकली इस बाइक के मोड्स हैं। अगर आप इसको मोड 1 में करोगे तो ये आप लोगों को ज्यादा माइलेज देगा। इसकी जो बेस्ट रेंज है वो है अप टू 130 किलोमीटर। अब अगर आप इसको फर्स्ट मोड पे चलाओगे, जैसे कि आपको यहां पर भी फर्स्ट मोड दिख रहा है, तो अगर आप इसको फर्स्ट मोड पे चलाओगे तो आप इसको 45 किलोमीटर तक की स्पीड तक रेव कर सकते हो। वहीं पर अगर आप इसको सेकंड मोड पे कर लोगे तो ये गाड़ी 65 किलोमीटर तक की स्पीड पे चल जाएगी, एंड अगर आप इसको थर्ड मोड पे डाल देते हो तो अप टू 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी
इजीली चल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कीज की, तो इस गाड़ी के साथ में बेसिकली चार कीज आती है। बहुत कम ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसके साथ में चार कीज के ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एंड चार की में भी दो रिमोट कीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जिसमें कुछ इस तरीके के बटन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे बेसिकली आप इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, एंड ये इसका अलार्म वाला ऑप्शन है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इसमें लास्ट ऑप्शन है, इससे आप अपनी बाइक को ऑन कर सकते हो बिना की को इंसर्ट करे। जस्ट आपको दो बार प्रेस करनी है एंड आपको आवाज आ गई एंड इट इज ऑल सेट टू गो नाउ। इसके अलावा बात करते हैं भाई अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, और वो है इस बाइक के बैटरी की। तो सबसे अच्छी बात ये है कि प्योर ईवी की जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इन हाउस ही है, एंड काफी बढ़िया बैटरी आप लोगों को ये कंपनी प्रोवाइड भी कराती है। इस बाइक में बेसिकली आप लोगों को 3 kW की पीक पावर मिलती है, तो पावर और परफॉर्मेंस में ना आप लोगों को इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है, एंड कंफर्टेबल राइड भी आप लोगों की रहने वाली है। आई गेस लगभग 4 यूनिट के आसपास ये लेने वाली है चार्ज होने में, एंड आप लोगों को अप टू 130 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी देने वाली है। अगर आप इसको थर्ड मोड पे चलाओगे या दो लोग बैठ के चलाओगे तो डेफिनेटली रेंज आप लोगों को थोड़ी कम मिलेगी, अराउंड 100 मिल सकती है, बट हाँ एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन आप लोगों के लिए ये हो सकता है। चलिए ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अब टाइम है इस बाइक को एक्चुअल में चला के देखने का, एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने का, एंड कैसी ये सड़कों पर चलती है, इसके सस्पेंशन कैसे हैं, एंड मुझे पर्सनली कैसा फील होता है इसको चलाने में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, लगभग पूरे अलवर में इस गाड़ी को चला चुका हूँ। चलने में वास्तव में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और एक चीज़ स्पेशली जो मुझे नोट हुई है ना, वो ये है कि जब भी इसको चलाते हैं तो ऐसा फील नहीं आता कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड अप टू 75 किलोमीटर तक की है। तो अगर आप इसको रेव करते हो, खास करके अगर आपको ओवरटेक करनी होती है ना, तो कोई भी इशू आप लोगों को इस बाइक में नहीं आती है। खास करके जब आप इसको 60 से 70 किलोमीटर के आसपास लेके जाते हो ना, तो आपको इसके मोटर में पावर की फील होती है। तो ये बाइक इस तरीके की है कि अगर आप इसको चलाओगे तो सिमिलर फील आने वाली है आप लोगों को जैसे 125cc की पेट्रोल बाइक में आप लोगों को आती है। सिर्फ यही नहीं, इसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और सस्पेंशन के साथ में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम। तो जैसे कि फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक है एंड रियर में इसके ड्रम ब्रेक है, तो ब्रेक काफ़ी ज़्यादा पंची इस प्योर ईवी की इको ड्रिफ्ट के यहाँ पर हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब आप इसको चलाओगे बैठ के रेव करोगे तो आपको ना काफ़ी कंफर्टेबल इसमें फील होने वाला है। एंड जैसे कि मेरे हाइट लगभग 6 फीट है, लगभग क्या एग्जैक्टली 6 फीट है, तो 6 फीट के हिसाब से मुझे इसकी हाइट में कोई भी इशू किधर से भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो हाँ, आप लोगों के लिए एक डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है। अगर आप दो लोग बैठ के चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सीट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाते हैं एंड सीट्स कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की डेट में इंडिया में आप लोगों के पास एक ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल आ चुका है जो कि सिमिलर है एक पेट्रोल बाइक के, लगभग 125-100cc के बाइक के, एंड आपके लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम भी करेगी, आप लोगों को 130 किलोमीटर तक की रेंज भी प्रोवाइड कराएगी ये इको ड्रिफ्ट, वो भी एक सिंगल चार्ज में। दोस्तों अगर आप भी इस बाइक को चेकआउट करना चाहते हो तो अलवर से डीलरशिप से ही चेकआउट कर सकते हो, या इंडिया के किसी भी सिटी में आप प्योर ईवी की इको ड्रिफ्ट या कोई भी बाइक को चेकआउट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज आप लोगों के लिए इस तरीके की शानदार वीडियोस हम लोग इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।